टी20 फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की शानदार शुरुआत रही। पहले तो रोहित शर्मा ने चौके और छक्कों की बरसात कर दी, शानदार अर्धशतक लगाया। हालांकि 34 गेंदों में 64 रन बनाकर रोहित शर्मा आउट हो गए, लेकिन उसके बाद मैदान पर उतरे सूर्य कुमार यादव और कोहली के साथ मिलकर उन्होंने ऐसी बेहतरीन साझेदारी की कि इंग्लिश गेंदबाज रोने लगे। क्या आज टीम इंडिया कितनी गजब की तैयारी करके आई है, कैसे रोकेंगे उन्हें। 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा आउट हो गए थे, उसके बाद 10वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने आते ही तूफान मचा दिया। आदिल राशिद के छक्के छुड़ा दिए और छक्कों की बरसात कर दी। और इधर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली भी तूफानी पारी खेल रहे थे, चौके और छक्कों की बरसात उनके बल्ले से भी जबरदस्त निकल रहे थे। आदिल राशिद को पीटने के बाद सूर्य कुमार यादव ने क्रिस जॉर्डन को भी नहीं बख्शा, लगातार 3 चौके जड़े। हालत ये हो गई कि इंग्लिश गेंदबाज टीम इंडिया के सामने गेंद डालने से भी डरने लगे। और टीम इंडिया की तूफानी पारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 13 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 142 रन पर पहुंच चुका था। हालांकि 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव कैच आउट हो गए और 17 गेंदों में शानदार 32 रन जड़े। लेकिन विराट कोहली के साथ मिलकर सूर्य कुमार यादव ने आज तूफानी पारी खेल दी। आगे देखना होगा कि टीम इंडिया इंग्लिश टीम के सामने कितने रनों का लक्ष्य रखती है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।